नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूँ पूजा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उज्जैन के दौरे पर पहुंची। पटेल ने अम्बोदिया के सेवाधाम आश्रम पहुंचकर निराश्रित बच्चों से मुलाकात की तथा आश्रम के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रतलाम से उज्जैन आते वक्त अम्बोदिया स्थित सेवाधाम आश्रम पहुंची, जहां निराश्रित बच्चे और बुजुर्गों से मुलाकात की। राज्यपाल ने आश्रम आए नए लोगों का तिलक लगाकर स्वागत भी किया। वे यहां करीब एक घंटे तक रुके। इस दौरान उन्होंने आश्रम संचालक सुधीर गोयल से भी चर्चा की। राज्यपाल विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। 20 वर्षों से पीड़ित मानवता की सेवा, दिव्यांगों, मनोरोगियों, बहु दिव्यांगों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, गर्भवती माताओं की सेवा आदि में संलग्न इस सेवाधाम आश्रम में आज मध्य प्रदेश की राज्यपाल माननीय आनंदीबेन जी पटेल यहाँ आई और उन्होंने इस आश्रम को भ्रमण करने के बाद बताया कि मुझे नहीं मालूम था कि ये आश्रम इतना विशाल रूप में बना हुआ है। काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की। यहाँ दीन दुखी और विविध प्रकार के दिव्यांगों की सेवा को उन्होंने बहुत सराहा कि पूरे भारत के लोग यहाँ सेवा प्राप्त कर रहे हैं, ये गर्व का विषय है उज्जैन में इस प्रकार का संस्थान होना। वे बहुत ही प्रसन्न चित्त थी और पुनः वो आएंगी ऐसा विश्वास दिलाकर गई हैं। इंदौर रेलवे विभाग की उस समय जमकर हंसी उड़ी जब उसने कार्यक्रम में वीवीआईपी के लिए खुले मंच पर दो एसी लगा दिए। खुले मंच पर लगाए एसी से ठंडक तो नहीं हुई, बल्कि उल्टा राजनीतिक माहौल गर्मा गया। रेलवे ने एसी लगाकर सिर्फ पैसे ही बर्बाद किए। इधर मंच पर जमी कुर्सियों पर एक विधायक का नाम नहीं होने से नाराज होकर जाने लगे थे, तो पार्टी के कुछ लोगों ने उन्हें मनाया। इंदौर रेलवे स्टेशन पर सोमनाथ एक्सप्रेस के उद्घाटन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, वेस्टर्न रेलवे के जीएम एके गुप्ता, डीआरएम आरएन सुनकर, विधायक महेंद्र हाडिया, उषा ठाकुर, आईडीएम अध्यक्ष शंकर लालवानी सहित अन्य शामिल हुए। रेलवे हंसी का पात्र तब बन गया जब उसने खुले मंच पर वीवीआईपी और वीआईपी के लिए दो एसी लगा दिए, जो ठंडी हवा ही नहीं दे पा रहे थे। रेलवे ने दिखावे के चक्कर में जमकर पैसा बर्बाद किया। इधर कार्यक्रम के दौरान मंच पर लगाई गई कुर्सियों पर विधायक महेंद्र सिंह हाडिया का नाम नहीं होने से वे नाराज होकर जाने लगे, तो महाजन से जुड़े लोगों ने उन्हें रोका और मंच पर जगह बनाकर बैठाया। इंदौर नगर निगम कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम कर्मचारियों ने पानी बचाने का संकल्प लिया। इस दौरान कर्मचारियों के हितों की जानकारी भी दी गई। इंदौर नगर निगम कर्मचारी महासंघ द्वारा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इसी के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष महेश पटेल ने सातवां वेतनमान आवास योजना के बारे में बताया। वहीं कार्यक्रम के दौरान सभी कर्मचारियों ने पानी बचाने का संकल्प लिया। इस दौरान निगम सभापति अजय सिंह नरुका, महासंघ के अध्यक्ष रामलाल यादव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। नगरीय प्रशासन विभाग ने ग्वालियर संभाग की दतिया नगर पालिका को स्मार्ट सिटी घोषित किया है। अब नगर पालिका को विकास कार्य के लिए दोगुनी राशि मिलेगी। दतिया को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने पर स्थानीय लोगों में खुशी है। सरकार की ओर दतिया नगर पालिका को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है। अब शहर के विकास कार्यों में तेजी आएगी क्योंकि शासन से विकास कार्यों की दोगुनी राशि मिलेगी। इधर स्मार्ट सिटी घोषित होने पर लोगों ने आतिशबाजी की, बल्कि मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाइयां भी दी। ग्वालियर टपक संभाग में से चुना है मिनी स्मार्ट सिटी का रूप, और आप जान रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी कई साल से जब से यहाँ से हमारे विधायक बनते आए हैं, मंत्री बन रहे हैं, नए नए चीज़ें, नई नई सौगातें यहाँ लेकर आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के कई पैरामीटर्स हैं और जो पैरामीटर और जो मध्य प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है इसके संबंध में हम उसका पालन करेंगे और वो गाइडलाइन हर स्तर पे है। उसमें कई एक्टिविटीज़ शामिल हैं और सबसे पहला तो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का जो है उसको डेवलप करना है, दूसरा पार्कों का डेवलपमेंट है, तीसरा आपके ई नगर पालिका है,
चौथा आपका लाइब्रेरी, बच्चों के लिए कंपटीशन के लिए लाइब्रेरी और इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही बच्चों के खेल कूद के लिए अलग पार्क की व्यवस्था भी है इसमें। शहर का सौंदर्यीकरण भी शामिल है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है इसमें। इसमें कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे कि आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और हमारा दतिया शहर जो है विकास के नई ऊंचाइयों को निश्चित रूप से। मंदसौर पुलिस ने 8 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दूसरे आरोपी आसिफ पिता जुल्फिकार मेव को भी गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल से बालिका को लेने आसिफ गया था, आरोपी ने दुष्कर्म करना कबूला है। इधर घटना के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतर रहे हैं। इतना ही नहीं, नगर बंद रख कर लगातार घटना का विरोध कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। आरोपी इरफान उर्फ भैयू पिता जहीर खान ने बयान के बाद दूसरा आरोपी आसिफ पिता जुल्फिकार मेव को भी गिरफ्तार किया है। इरफान व आसिफ वारदात वाली सुबह से ही साथ थे। बालिका को लेने भी आसिफ मेव पहुंचा था। बाद में दोनों आरोपी बच्ची को लेकर झाड़ियों में पहुंचे, जहां बालिका से बारी बारी से दुष्कर्म किया। इधर घटना के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन कर आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। अभी की मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।